नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दुपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आय मास शुक्ल पंचमी अर्थात की पंचमी के दिन विद्याक देवी माता सरस्वती के कैल जा रहल छन पूजा आराधना। स्थानीय तौर निर्वाचन के मिति घोषणा होय से पहिने निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव के तैयारी में आयोग मतपत्र डिजाइन के लिए दरखास्त के केलक आह्वान। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के अपन क्षेत्र भीतर अनाधिकृत रूप में संचालित संरचना हटेबाक लेल निर्णय। अस्थायी संरचना मात्र हटाओल जात कोष केलक स्पष्ट। भारत के स्वर कोकिला लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के आज सरस्वती पूजा के दिन भेल निधन। 36 भाषा में हजारों गीत में द चुकल छथि अपन आवाज। आ प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी FA कप फुटबॉल के 4 चरण में केलक प्रवेश। आई माघ शुक्ल पंचमी अर्थात श्री पंचमी विद्या के देवी सरस्वती के पूजा आराधना कैल जा रहल छन। ऋतु सबक राजा मानल गेल बसंत के आई शुरुआत होबाक दिन रहला कारण आजुक दिन के बसंत पंचमी सेहो कहल जात अछि। बसंत ऋतु आगमन के अवसर में आई बसंतपुर में बसंत श्रवण करबाक परंपरा सेहो अछि। सरस्वती माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्या दानं करोतु मे। आई सरस्वती पूजा अर्थात श्री पंचमी देश भर विद्याक देवी सरस्वती के पूजा आराधना क मनाओल जा रहल अछि। ऋतु सब के राजा बसंत के शुरुआत होवे वाला दिन रहला कारण आजुक दिन के बसंत पंचमी सेहो कहल जात अछि। बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में बसंतपुर में बसंत श्रवण करबाक परंपरा सेहो रहैत आयल अछि। संगीत, कला, साहित्य आ विद्या के खान माता सरस्वती के आई विधिपूर्वक पूजा आराधना क स्तोत्र पाठ केला पर ज्ञान, बुद्धि आ विद्या के वृद्धि होबाक धार्मिक विश्वास अछि। आजुके दिन बाल बालिका सब के अक्षरारम्भ कराओल जेबाक परंपरा सेहो चलैत आबि रहल अछि। सरस्वती के महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी नाम सँ समेत संबोधन कयल जाय छन्। श्वेत वस्त्र धारण करनिहार गोर वर्ण रहल सर्वोत्तम रत्न द्वारा निर्मित आभूषण सँ सुशोभित चतुर्भुजा रहल देवी सरस्वती के हाथ समे वीणा, पुस्तक, स्फटिक के माला आ अभय मुद्रा सँ सुशोभित छथि। आ हुनकर वाहन राजहंस रहल कहिकऽ शास्त्र सब में बताओल गेल अछि। आजुक दिन काठमांडू उपत्यका में रहल सरस्वती मंदिर सब नील बाराही, लाजिम पाट, स्वयंभू, गैरीधारा के नील सरस्वती, ललितपुर के लेले आदि मेला लागत अछि। तँ देश भर के सरस्वती मंदिर आ विद्याक केन्द्र विद्यालय सब में पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। आज चाहिँ सरस्वती पूजा बसंत पंचमी अनि अब विद्यार्थी को लागि सरस्वती पूजा एउटा महान चाड जस्तै हो अनि म त्यसैले बिहानै उठेर यहाँ मंदिर में दर्शन सरस्वती को दर्शन गर्न आएको। अब आजको दिन मन्दिर दर्शन गर्यो भने अक्षरामा गर्यो भने होइन बच्चाहरू लेख्छ, राम्रो पढ्छ, लेख्छ भन्ने विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यही भएर दर्शन गर्न आएको, बच्चाहरूलाई पनि दर्शन गराउन आएको। आइ विद्या संगीत के प्रतिरूप सरस्वती के पूजा आराधना क मनाओल जाय वाला विशेष दिन छी। आइ सँ बसंत ऋतु के शुरुआत होबाक मान्यता सेहो अछि। सरस्वती के आजुक दिन में सब केओ स्मरण क पूजा करतनि कहिकऽ भगवान श्री कृष्ण वरदान देने छला। आज सरस्वती पूजा हो अनि हामीले यहाँ भगवानलाई राम्रो ज्ञान दिनु, हाम्रो नराम्रो बानी बेहोरा हटाइदिनु भनेर आउँछौँ। अरू दिन पनि आउँछौँ तर आज हाम्रो विशेष दिन भएर हामीहरू यहाँ आएको। पहिले पनि यहीँ आएर हामीले पूजा गरिन्थ्यो तर योभन्दा पोहोर सालको फेरि भएन जस्तै लाग्यो। यहाँ कोभिड अलि फैलिएको थियो, अहिले खुलेकोमा म खुसी छु। किछ विद्यालय सब में आजुक दिन सरस्वती पूजा के अवसर में विशेष कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि, मुदा एहि वर्ष कोविड संक्रमण के जोखिम रहलाक कारण अधिकांश विद्यालय सब ऑनलाइन पद्धति में चल रहला सँ सरस्वती पूजा प्रभावित भेल अछि। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ आरती पंत के रिपोर्ट। सरकार द्वारा स्थानीय तह के चुनाव के मिति घोषणा करबाक लेल बाकी अछि, मुदा निर्वाचन आयोग चुनावक तैयारी में लग गेल अछि।
नजदीक आबि रहल निर्वाचन के ध्यान में रखैत आयोग मतपत्र डिजाइन के लेल दरखास्त के आह्वान कलक। आयोग मतपत्र लोगो निर्वाचन चिन्ह तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइन के लेल दरखास्त के आह्वान कलक। आयोग एक सूचना प्रकाशित क तय कल गेल अवधि में काज करक लेल इच्छुक रहल व्यक्ति के सूचना प्रकाशित भेल मिति सँ 5 दिन भीतर में आवेदन देबाक लेल अपील कलक। आवेदन आयोग के कार्यालय या आयोग के ईमेल में दर्ता कैल जा सकैत अछि। निवेदन के स्वरूप आयोग के मतदाता नामावली तथा निर्वाचन संचालन शाखा या वेबसाइट से प्राप्त कैल जा सकैत अछि। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चित्रकला आ ग्राफिक डिजाइन में कमती में स्नातक, दृष्टांत चित्र आ ग्राफिक डिजाइन में कमती में 2 वर्ष के अनुभवी, रेखा चित्र तथा रंगीन चित्र संबंधी दक्ष व्यक्ति आवेदन द सकैत छथि। आयोग जनौलक अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष अपन क्षेत्र भीतर अनाधिकृत रूप में संचालन में रहल अस्थायी संरचना सबके हटेबाक निर्णय कलक। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी कोष के एन कानून आ निर्णय के अतिरिक्त अनाधिकृत रूप में बनाओल गेल अस्थायी संरचना सबके हटेबाक निर्णय कार्यान्वयन कयल जा रहल जानकारी देलन। ओ फूल प्रसाद सहितक व्यवस्थापन के लेल स्थायी संरचना बनि गेला कारण अस्थायी रहल संरचना सब मात्र हटाओल जा रहल स्पष्ट कलन। बाहेकको रूपमा राखिएका त्यस्ता अनधिकृत टहराहरूलाई, अनावश्यक जो अशोभनीय देखिएका छन् त्यस्ता टहराहरूलाई हाम्रो हटाउने हाम्रो नीति पहिल्यैदेखिकै हो र त्यसलाई हटाउने भन्दा पनि हामीले थप व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ। र कोष पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनके लेल जायवला दर्शनार्थी सभक लेल आवश्यक फूलमाला, प्रसाद, निशानी सहितक व्यवस्था स्थायी संरचना बनाकऽ व्यवस्था कयल गेल जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल फागुन 16 गतेक भीतर MCC पारित करबाक प्रतिबद्धता सहित के संयुक्त पत्र पठौलेने अछि। संयुक्त पत्र लिखैत देउवा आ दहाल फागुन 16 गतेक भीतर MCC पारित करबाक प्रतिबद्धता केलाक बाद अमेरिकी सहयोग नियोग मुख्यालय धन्यवाद ज्ञापन केलक अछि। बीतल सेप्टेम्बर 29 अर्थात आसिन 13 गते 5 महीना भीतर ओ समझौता पारित करबाक प्रधानमंत्री देउवा आ माओवादी अध्यक्ष दहाल लिखित प्रतिबद्धता जनौलाक कारण ओ समझौता पारित होयमे आशावादी छी। MCC मुख्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेशन के उपाध्यक्ष फातिमा सुमार बतौलनि। एहि संबंध में अध्ययन क सुझाव सहित के प्रतिवेदन पेश करक लेल पूर्व प्रधानमंत्री तथा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल के संयोजकत्व में समिति गठन भेल अछि। ओ समिति समझौताक संबंध में दस्तावेज सबके गहन रूप में अध्ययन क रहल अछि। प्रदेश एक में आई मंत्रिपरिषद विस्तार होवे जा रहल अछि। प्रदेश एक में रहल 7 मंत्रालय कऽ 13 मंत्रालय बनाओल जा रहल अछि। हाल प्रदेश एक मंत्रिपरिषद में एक राज्य मंत्री सहित कुल 6 मंत्री छथि। आई मंत्रिपरिषद विस्तार कऽ एक बिना विभागीय सहित 14 सदस्य मंत्रिपरिषद बनाओल जा रहल अछि। एखन प्रदेश में एकीकृत समाजवादी के दिस सँ मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार राय प्रदेश के नेतृत्व कऽ रहल छथि। अब आर्थिक समाचार। बाजार में विदेश से आयात होवे वाला ब्रांडेड जूता के कारण स्वदेश में उत्पादन भेल जूता नीक बाजार के अभाव जूता उद्योग सब धराशायी बनैत जा रहल अछि। बाजार में विदेशी जूता एकाधिकार जमेलाक कारण स्वदेशी जूता बाजार ने पेलक उद्योगी सभक कहब छन्। बाजार में विदेश से आयात होवे वाला ब्रांडेड जूता के कारण स्वदेश में उत्पादन भेल जूता नीक बाजार के अभाव में जूता उद्योग सब धराशायी बनैत जा रहल अछि। बाजार में विदेशी जूता के एकाधिकार रहलाक कारण पूर्व में संचालित स्वदेशी जूता उद्योग बाजार ने प्राप्त कर सकि रहल उद्योगी सभक कहब छन्। विदेशी जूता सरह स्वदेशी जूता सेहो टिकाऊ आ आकर्षक रहलाक बावजूदो बाजार में एहि के उचित प्रवर्धन नहि भऽ रहलाक कारण जूता उत्पादक सब निराश भेल छथि। यस्तो यो देखौटी रूपमा मान्छेले त्यो अन्तर देखिने हो, तर कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपाली पनि राम्रो ब्रान्डहरू राम्रो चिजहरू युज गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने टिकाउमा विदेशी भन्दा राम्रो टिकाउ नेपाली ब्रान्ड हो।
अझै सबैले चाहिँ यो के हो सोच बनाइदिनु पर्यो भने सबै नेपाली ग्राहकहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले सबैभन्दा स्वदेशी उत्पादन हामी लाउँ। इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 9 रहल सिमरक जुत्ता उद्योग दैनिक 150 जोड़ जुत्ता आ 700 जोड़ सोल उत्पादन करैत आबि रहल अछि, मुदा उत्पादन भेल जुत्ता बाजार में अपेक्षा अनुसार खपत होबाक अवस्था नहि अछि। उद्योग पार्टी शूज, स्पोर्ट्स आ स्कूल कॉलेज में प्रयोग होवला चमड़ा के जुत्ता उत्पादन करैत आबि रहल अछि, जाहि में सँ मात्र स्कूल में प्रयोग होवला जुत्ता बिक्री भ रहल उद्योगी के कहब छन्। हामीले पर डे हामीले 150 जोडको हाम्रो उत्पादन हो र सोल हामीले दिनको 700 जोड हामी सोल उत्पादन गर्छौँ, जुत्ता चाहिँ हामी 150 जोड उत्पादन गर्छौँ। बढी हामीले फोकस भनेको स्कुल सुज, कलेज सुजहरूलाई बढी फोकस छ, त्यो एउटा पाटोबाट राम्रो छ होइन। बजारमे विदेशी जुत्तासँगै के प्रतिस्पर्धा कऽ रहल नेपाली जुत्ता उद्योग जुत्ता बनेबाक लेल आवश्यक कच्चा पदार्थ विदेशेसँ आयात करैत आबि रहलाक कारण आओर समस्या झेलैत आबि रहल अछि। स्वदेशी जुत्ता उद्योगमे सेहो बड़का छोटका उद्योग द्वारा आयात कयल जायवला कच्चा पदार्थ आ उत्पादन करयवला तरीका सेम नहि रहलाक कारण नेपालीमे विदेशी जुत्ता उद्योगसँगै प्रतिस्पर्धा करय पड़ि रहलासँ उद्योग सब सोचल जेहन व्यापार नहि करय सकि रहल उद्योगी सब बताबै छथि। एखन प्रदेश 1 में शय के हाराहारी में जुत्ता उद्योग संचालन में जुत्ता उद्योग एखन रोजगार के अवसर देने आमदनी के लेल विदेश जाय सँ नीक स्वदेशी में रहल उद्योग में काज केला पर लुइर सिखबाक अवसर आ रोजगारी पैलों कामदार सब बताबे छथ। परिवार अब पालनु अब नानीहरु पढाउनु गर्नु पर्छ, यहाँको आमदनी दानी रहेछ जसो तसो विदेशमा जाने कमै अब यहाँ मेहनत गर्छ स्वदेशी में उत्पादन भेल जुत्ता के आकर्षण नेपाल में अछि। पछिला किछु वर्ष सँ नेपाल में स्वदेशी जुत्ता के कारोबार नीक देखल गेल अछि, सस्ता के संगे टिकाऊ सेहो रहलाक कारण किछु वर्ष धरि मात्र एहि के मांग खूब बढ़ि गेल छल, मुदा एखन फेर सँ एहि के मांग घटि गेल अछि। स्वदेशी उत्पादन के जोर दैत सरकार समेत एहि के प्रवर्धन में कोनो कार्यक्रम सब संचालन नहि केलाक कारण जुत्ता उद्योग सब एखन अपन उत्पादन घटा देलक अछि। ताहि लेल उद्योग के उत्पादन के उचित बाजार के वातावरण बनेनाई आ प्रवर्धन केनाई अति आवश्यक देखल गेल अछि। सुनसरी सँ विनोद आचार्य के रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के प्रसिद्ध लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के 92 वर्षक उमेर में निधन भेल अछि। स्वर कोकिला उपनाम सँ परिचित रहल लता के आइ सरस्वती पूजाक दिन निधन भेल अछि। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज के दौरान आइ भिनसर में लता के निधन भेल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जनौलक अछि कोरोना संक्रमण भेलाक बाद हुनका अस्पताल में भर्ना कयल गेल छलनि। किछु दिन धरि हुनका वेंटिलेटर में राखल गेल छलनि। ओ 36 भाषा में हजारों गीत में अपन आवाज दऽ चुकल छथि। ओ बहुत रास नेपाली गीत सब सेहो गौलनि अछि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता के निधन सँ भारत के अपूरणीय क्षति भेल कहैत शोक व्यक्त कयलनि अछि। लता के निधन सँ बॉलीवुड आ संगीत क्षेत्र शोक में डूबल अछि। ओ भारत के प्रतिष्ठित भारत रत्न दादा साहेब फाल्के सहितक सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त कयलनि अछि। आप खेलकूद समाचार। प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी एफए कप फुटबॉल के 5 चरण में प्रवेश केलक अछि। शनि दिन राति में भेल खेल में फुलहैम के 4-1 गोल अंतर सँ पराजित करैत सिटी अंतिम 16 में पहुँचल अछि। घरेलू मैदान में 1 गोल सँ आगू रहैत सिटी जीत हासिल केलक अछि। खेल के 4 मिनट में फाबियो कार्वलो गोल करैत फुलहैम के शुरुआती अग्रता दियौने छल, मुदा 6 मिनट में इल्के गुंडोगान गोल करैत सिटी के 1-1 गोल के बराबरी में आनलक छल। खेल के 13 मिनट में जोन स्टोन्स गोल केला पर सिटी 2-1 गोल अंतर सँ आगू छल। 53 मिनट में रियाद महरेज पेनाल्टी में गोल करैत सिटी के 3-1 के अग्रता दियौलनि, जाहि के बाद खेल के 57 मिनट में महरेज व्यक्तिगत दोसर गोल करैत सिटी के 4-1 गोल अंतर सँ जीत दियौलनि। क्रिस्टल पैलेस, नॉर्विच सिटी, स्टॉक सिटी सेहो एफ ए कप के 5 चरण में प्रवेश केलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर।
आईमान शुक्ल पंचमी अर्थात श्री पंचमी के दिन विद्याक देवी माता सरस्वती के कायल जा रहल छन पूजा आराधना। स्थानीय तौर निर्वाचन के मिति घोषणा होय से पहिने है निर्वाचन आयोग के लाइक के लिए चुनावक तैयारी में आयोग मतपत्र डिजाइन के लिए दरखास्त के केलक आह्वान। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के अपन क्षेत्र भीतर अनाधिकृत रूप में संचालित संरचना हटेबाक लेल निर्णय, अस्थायी संरचना मात्र हटाओल जायत कोष केलक स्पष्ट। भारत के स्वर कोकिला लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के आई सरस्वती पूजा के दिन भेल निधन। 36 भाषा में हजारों गीत में द चुकल छथि अपन आवाज। आ प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर सिटी एफए कप फुटबॉल के चारिम चरण में केलक प्रवेश। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।